संचार हमारे रही काबिल मोहतरम साहबजादा साहब अमायलीन इकराम बुजुर्गान इकराम नौजवान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। खिताब तो मैं और आप क़िबला साहबजादा साहब को सुनने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं और बात यह है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाता और महबूब की महफिल को महबूब से सकता। तो ये मेरे लिए एक बड़ा बायस से इज्जत है कि मैं उस शाके कराम की बज़्म के अंदर आ सकूं और एक बुनियादी बात आसान से इजाजत ले लूंगा कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हदीस कुदसी है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था और जब मैंने ये चाहा कि मैं चाहा जाऊं तो हदीस पाक लंबी है, बयान हजरत साहब फरमाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या हुआ? चाहा। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या हुआ? चाहत। और चाहत किसी जिस परवरदिगार ने पैदा किया। अब उसका तरीकाकार क्या है? वो ये कहता है अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो मेरे महबूब से मोहब्बत करना, महबूब से रखते महबूब, महबूब के बताइए चले जा और दावा करें रसाई नहीं मिल सकती। एक जिस्म है, एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, नजला हो जाए, खांसी हो जाए, जीपी के पास जाके कहते हैं कि आला से आला स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। रूह बीमार हो जाए तो फिर साधारण साधारण खत्म में हाजिर नहीं होते, फिर जाली हीरों के पास जाते हैं, जाली हीरों के पास जाते हैं, घर घर टेंशन बिखरी हुई है, घर घर परेशानियां हुई है, घर घर मामला हमारे खराब हो रहे हैं। क्यों? कि हमें ऑब्जेक्टिव लाइफ से दूर हो रही है, हकीकत से हम दूर हो रहे हैं जिस मोहब्बत के लिए हमें पैदा किया गया था, जिस नबी की उम्मत में हमें पैदा किया गया था। उस नबी से इश्क की बजाय हम दूसरे रहा। ये चलवार यहां डाल ले, ये दाढ़ी मुबारक की लंबी कर ले। अरे भाई ये सारी चीजें ठीक है लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कोई भी भाई मेरे लिए नहीं है। अगर किसी ने मकान देखा हो, दाढ़ी मुझको देखा तो फिर वो मकान देखे हर हर लापाई पाई। और एक शेर में ये जरूरी चीज थी कि मोहम्मद से वफा तो नहीं कहा की वफा तूने मोहम्मद से कहते हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम दे। दोस्तों बुजुर्गों मैं कतन इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, देश मुबारक रखनी चाहिए, लिबास को जहां की बादशाह से मुवासलत देनी चाहिए, लेकिन माला कहे है काट की, माला अगर दिल का मन का फेरना है तो फिर हुजूर मोहसिन आलमगीर की तालीमात पे अमल करना पड़ेगा, फिर मेरे शरीफ के पहाड़ों की ज़ियारत करनी पड़ेगी कि जहां पे मैंने देखा कि लाखों की तादाद के अंदर दीवाने वाले लोग जो है वो आ रहे थे। ये क्यों आ रहे थे? ये क्यों आ रहे थे? ये इसलिए आ रहे थे कि आप नेरिया शरीफ के अंदर शमा रिसालत की शमा जो है उसको प्रोग्राम किया और मैंने वो मंजर देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। मैं हुजूर के सिलसिले से मोहब्बत रखता हूं
लेकिन मैं नहीं मां मेरा मुर्शद चावे उठिया ने संग लाई मैं नहीं मां मेरा मुर्शद चावे उठिया ने संग लाई सदके जावा उना ऊंचे हाथ ही जिन्हें नहीं मैं नाम निभाई मैं अपने अपने शहर का मेरे ऊपर बेहिसाब कर्म है मैं उनका नाम यहां मैं उनके काम बयान करूं तो सुबह हो जाएगी बात तो कसर कर रहा हूं कि मैंने आपके सिलसिले के अंदर सातन साहब मैंने आपके सिलसिले का बना जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने देखा खुदा के बुजुर्ग को बर्तन की कसम के बाद मैं पानी पर करता हूं ऐसा कामिल शहर जिसने उम्मत में मुसलमान को पुट्ठी के अंदर कर दिया था कह लो तो ये कह रहा था कि प्रेरणा है तस्वीरें हैं ये बिखरे हुए प्रेरणा है तस्वीरें हैं ये बिखरे हुए वो भी जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे लेकिन ये हस्तियां ये पर्दा फरमा बादल सुखान बाबू ने बड़ा खूबसूरत बात की कि जीना ते उन्हां दा जीना बाबू सब ने चले जाना है दारा रहा नजर ने सिकंदर से बादशाह तख्ते जमीन पे आए हजारों चले गए और जीना ते उन्हां दा जीना जीना ते उन्हां दा जीना बाबू कब्र जीना दी जीती हूं आज भी जाके जीना शरीफ के अंदर देखिए कि हुजूर जी रहे हैं या हुजूर जी सुभान अल्लाह ये दुआ है अल्लाह ताला साथ-साथ साथी के तमाम भाइयों को रहमत करता है और जो शमा नूर रोशन करके है उसको फिरोजा कर देंगे ताकि भाई और मैं आपके दोस्तों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आपके दिलों के अंदर भी निगाह बदले मोमिन से बदल जाती है ये उनका फैस है कि आज हमारे बच्चों के दिलों की दरवेश के मुस्तफा जो है वो और ये इसलिए मुस्तफा उसकी आज हसीन का सीधा सा पुरुष है तो बड़ी खूबसूरत बात कही है तुलसी बाज हसीन का कभी भूले से छू जावे आप निभावे उम्र भर और बाला से कह जाए अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले को कायम हदायत तक पहुंचाने की कृपा फरमाए अल्लाह ताला हमें इनका अदब और एहतराम करने की तौफीक दे आमीन शेख कामिल दोबारा वही अल्फाज कहते जाते रहूंगा कि शेख कामिल कभी पर्दा नहीं था पर्दा कमाते हैं कभी बंद नहीं होंगे और उनका पैर 70 हिस्से ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है और मेरे कई बार है कि आज की महफिल के अंदर वो बताते खुद जज्बा फरोज है हमारी बात पर सुन भी रहे हैं और हमारी बात से महसूस भी हो रहे हैं अल्लाह ताला जो मसनवी शरीफ की शमा जो वो फरोजा कर रहे हैं मुझे कर्नल साहब ने बताया कि हुजूर साहबदादा साहब जो है वो हजरत मौलाना रूम के पास जाकर उन्होंने हाथ में और उन्होंने इजाजत दी और इजाजत देने के बाद अब उस मिशन को दोबारा से शुरू कर रहे हैं उसको जारी सारी कर रहे हैं खुदाए बुजुर्ग को बरकत की कसम ये पसंदी सुनी और ये दूर के नीचे के जो है ये पूरी दुनिया के लिए क्या अंदर एक इंतजाम पक्का कर दिया है ये कितने दिन के लिए है इंतजाम में देख रहा हूं नौजवानों के अंदर उन बच्चियों के अंदर और जो मैंने खुताबात उन बच्चियों के वहां पे सुने थे अपरा ईद मिलाद नबी के अंदर मैं हैरान ये तो मैं एक ऐसा इंकलाब देख रहा हूं यहां पे कि जिसका तमाम तफसीर जो है हुजूर गौसुल आलमीन के साहबजादा साहब के और मंगती भी की जो है वो उनके वजह से इस यूरोप के अंदर इस पूरे खत्ते के अंदर जो है इंकलाब रफा हो रहा है और मुझे ये यकीन है कि ये लोग रोशन शेडूफों में पाकन होगा और वो हफ्ते खुद नहीं जब चमन चमन होगा ये चमन जो गुलिस्तान चमन है जो मुस्तफा के चमन है ये हमेशा ऐसे बहता रहेगा इन अल्फाज के साथ मैं इस दुआ के साथ आपसे कहूंगा कि खुदा रहा इस रस्सी को कमजोर कर दो कहीं नहीं गया ना बापू इनका अदा एहतराम नमस्कार उसी तरीके से कीजिएगा जिस तरीके से आप अल्लाह ताला आपको खुशकदम रखे वो मारे जाने वाले